वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का एक और पेपर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंड ये पेपर है आपका 6th। इससे पहले भी हमने कई सारे पेपर इसके डिस्कस किए हुए, जिन बच्चों ने नहीं देखा है आप जाकर जाइए चैनल पे, आपको मिल जाएगा हमारा प्लेलिस्ट वाला सेक्शन। एंड प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जितने भी वीडियोस आपके करवाए जा रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। अभी तक हमने 5 पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, आज की इस वीडियो में हम 6th पेपर को डिस्कस करेंगे। एंड उससे पहले मैं आपको एक बार पेपर दिखा देता हूँ कि कैसा रहेगा पेपर का पैटर्न। चलिए पेपर को समझते हैं। 80 नंबर आपका जो है पेपर आएगा एंड 3 घंटे होंगे पेपर को करने के लिए, ये आप सभी को पता ही होगा। बाकी जो बच्चे नए हैं इसीलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ। चलिए आइए एक बार मैं पैटर्न आपको पेपर भी दिखा देता हूँ। बोर्ड का पेपर आता कैसा है, कुछ इस तरह से आएगा आपका। यहाँ पे नोट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि आपके पेज इतने है कि नहीं है ये आपको देख लेना है, टोटल क्वेश्चंस आपके 30 है कि नहीं है ये आपको देख लेना है। एंड यहाँ पे टाइम दिया होता है कि कितने बजे से आपका एग्जाम चालू हो जाएगा। एंड नीचे की तरफ आएंगे तो ये आपका सामान्य निर्देश दिया हुआ है, जिसके अंदर पूरा पेपर का जो पैटर्न है वो बताया होता है। जैसे टोटल जो है 30 क्वेश्चंस है जो कि 5 सेक्शंस के अंदर आपका डिवाइड होगा। यहाँ पे मैं हर बार आपको बताता हूँ, इससे पहले भी मैंने आपको कई बार बताए हैं। एंड काफी ज्यादा बच्चे वीडियो को नए भी देखते हैं ना, इसीलिए मैं आपको बार बार इसे पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। एंड यहाँ पे भी देखेंगे सेक्शन ए आपका 1 से 12 तक होगा जो कि एमसीक्यू टाइप होगा। सेक्शन बी वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर 13 से 18 तक क्वेश्चन होंगे जो कि 2 नंबर वाले होंगे। सेक्शन सी के अंदर जो है 19 से लेकर 23 तक 4-4 नंबर के क्वेश्चन। सेक्शन जो आपका डी होगा इसके अंदर पैसेज, कार्टून और मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन होंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 24 से 26 तक होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 27 से 30 तक जो लास्ट सेक्शन होगा आपका ई, इसके अंदर 6-6 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो आई होप कि आपको पैटर्न समझ आ गया होगा। एंड आगे की तरफ आएंगे आप तो इंग्लिश मीडियम में भी सेम ऐसा ही पैटर्न है, क्योंकि पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम में भी इसके पैटर्न को देखना चाहे तो देख सकते हैं, सेम वैसा ही है जैसा मैंने आपको बताया, जैसा कि 30 क्वेश्चन है टोटल पेपर के अंदर। एंड यहाँ पे सेक्शन वाइज इन्होंने बताया हुआ है, बाकी सेम वैसा ही है जो मैंने आपको हिंदी में बताया वैसा ही सेम इंग्लिश में। बाकी जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो पढ़ना चाहे इसे तो पढ़ सकता है, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। तो कुछ इस तरह से होगा आपका पेपर। चलिए आगे की तरफ चलते हैं वीडियो में। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है आपका पेपर जो हम 20 सैंपल पेपर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको। अगर किसी भी बच्चे को 20 सैंपल पेपर, जैसा कि आप सभी को पता होगा हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के सब्जेक्ट के लिए, जो कि 20 सैंपल पेपर होंगे जिसके अंदर पॉलिटिकल के एंड 20 सैंपल जो है आपके सैंपल पेपर जो रहेंगे वो आपके हिस्ट्री के रहेंगे। कोई भी बच्चा खरीदना चाहता है तो दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है, व्हाट्सअप नंबर है हमारा, ये आप खरीद सकते हैं। एंड अगर आप देखना चाहते हैं कि ये पेपर होता कैसा आखिर, तो उसके लिए हमने बहुत पहले आप जाएंगे तो वहाँ पे हमने कई सारी वीडियोस बना रखी है शॉर्ट वीडियो में कि इसको आपका एक एक पेपर करके जो है मतलब डिफाइन किया गया कि आपका पेपर एक्चुअली में होगा कैसा। तो 20 सैंपल पेपर अगर आप देखना चाहते हैं, बाकी हमने आपको जो पेपर करवाते हैं आप सभी को पता ही होगा, तो 20 सैंपल पेपर या जिसे आप क्वेश्चन पेपर कह सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, जो 2023 और 24 का एग्जाम चल रहा है उसके लिए पॉलिटिकल और हिस्ट्री का जो सैंपल पेपर है हमारे पास अवेलेबल है। जस्ट 99 में आपको मिल जाएगा एक जो आपका पेपर है, यानी एक सब्जेक्ट का आपको जस्ट 99 में 20 सैंपल पेपर मिल जाएगा। ऐसी हिस्ट्री का भी 99 का आपको मिल जाएगा। अगर आप दोनों एक साथ खरीदते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, आप दिए हुए नंबर पर जाके बात कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी चलिए हम आगे चलते हैं पेपर सेक्शन ए की तरफ, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया सेक्शन ए हुआ और इसमें 1 से लेकर 12 तक आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो सभी एमसीक्यू रहेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम पेपर को। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे यूनेस्को के बारे में, यूएनएसओ, ठीक है, UNESCO ये है आपका यूनेस्को। इसके बारे में बोला गया कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले यूनेस्को आपको पता होना चाहिए क्या होता है, आपका यूएनओ है उसी का एक पार्ट, उसी के अंदर जो है यूनेस्को को भी जो क्या है फॉर्म किया गया यानी बनाया गया। एंड इसका क्या काम होता है कि जो भी एजुकेशनल, साइंटिफिक और जो भी आपका सांस्कृतिक रिलेटेड जो भी कार्य होता है उसका उद्देश्य ये सारी चीजें इसी के अंदर आता है। जैसे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। अगर इसकी हम मुख्यालय की बात करें ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है पेरिस फ्रांस के अंदर। तो इसका मुख्यालय आपका ऑप्शन जो बा दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर होगा। यूनेस्को के बारे में ये चीजें थी। इंग्लिश मीडियम में आपका दिया हुआ है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को,
तो पेरिस फ्रांस के अंदर जो है ये, इसका ये आपका ऑप्शन सी होगा और ये आपका बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेरिस के अंदर, पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में, तो उस वहां पर जो है यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ आएंगे, यूनिसेफ की स्थापना किसके द्वारा की गई, यूएसए के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के द्वारा या यूएसएसआर के द्वारा। अगर हम देखें यूनिसेफ जो कि यूएनओ का, ये भी एक पार्टी माना जाता है, यूएनओ के अंदर ही आता है, एंड इसका जो, इसकी जो स्थापना करी है वो है संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है। यूएनओ का जो है एक पार्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा, और उसी ने, उसी एक पार्ट ने जो है यूनिसेफ की, जिसको हम बोलते हैं UNICEF, ठीक है, यूनिसेफ CEF हो जाएगा। तो ये बच्चों के लिए खासकर जो है ध्यान देने के लिए उनके लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, एंड संयुक्त राष्ट्र महासभा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बा, इसके इसी ने इसको बनाया है। अगर हम देखें इंग्लिश मीडियम में, बाय हुम वाज जो है यूनिसेफ एस्टेब्लिश्ड, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। स्वतंत्र राज्य बनने से पहले गुजरात और हरियाणा निम्नलिखित में से किस किन मूल राज्यों के अंग थे। अगर हम देखें गुजरात और हरियाणा निम्नलिखित में से किन मूल राज्यों के अंग थे पहले, ये तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए, हिमाचल और पंजाब के, हिमाचल और बम्बई के, बम्बई और पंजाब के, या राजस्थान और यूपी के। अगर हम देखें गुजरात और हरियाणा, गुजरात देखें हम तो ये आपका बम्बई आ जाएगा, और हरियाणा पंजाब आप सभी जानते होंगे ये पहले एक ही हुआ करता था, फिर इसको जो है हरियाणा बनाया गया, करीब हरियाणा जो है 1966 में जो है फॉर्म किया गया, नया स्टेट बनाया गया। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा ऑप्शन सा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका ठीक होगा। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं गुजरात एंड हरियाणा वेयर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनल स्टेट्स बिफोर बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट स्टेट वेयर देयर ऑर्गन्स, ठीक है। तो यहाँ पे बॉम्बई एंड पंजाब, यहाँ पे बॉम्बे एंड पंजाब, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं हम, बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्नलिखित में से कौन सा काल प्रथम विश्व युद्ध का समय है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप जानते होंगे सभी, जो कब से कब तक हुआ था, 1914 से 18 तक चला था ये, एंड सेकंड आपसे पूछ ले तो वो 39 से लेकर 45 तक, यानी 1939 से 1945 तक ये जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर चला था, एंड जब फर्स्ट की बात हो तो वो 1914 से लेकर 1918 तक ये चला था, एंड प्रथम विश्व युद्ध जो है बहुत भयानक माना जाता है, बहुत लोगों की इसमें मृत्यु होती है, कई सारी वीडियोस आपने इससे रिलेटेड देखी भी होगी। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो यहाँ पे 1914 से लेकर 18 तक, ऑप्शन जो है आपका बी निकल कर राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें और 6ठे के लिए, इन्होंने क्या दिया है, अभिकथन और कारण के लिए यहाँ पे निर्देश दे दिया है कि ये 5वें और 6ठे के लिए है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन आपका नीचे पूछा जाएगा, नीचे यहाँ पे देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध ने विश्व में अशांति का माहौल पैदा कर दिया था, तो ये बात सही है, अशांति का माहौल पैदा कर दिया था पूरे विश्व भर में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो ही गया तो इसने शांति कहाँ ही स्थापित कर पाया ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है आपका, अभिकथन सही है लेकिन कारण जो है सही उसकी व्याख्या नहीं करता, हाँ इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लेकिन ये व्याख्या नहीं कर पा रहा, दोनों सही है। यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन में अगर चले हम, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो बी आपका 5वें का आ जाएगा, एंड 6ठे का अगर हम देखें क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, तो ये सही है, एंड भारत भी जो है करीब इसी टाइम जो है 30 अक्टूबर को भारत भी इसका सदस्य बन जाता है। संयुक्त राष्ट्र वर्तमान में कार्यरत है, क्योंकि भारत इसका सदस्य है, ऐसी बात नहीं है भारत सदस्य हो ना हो लेकिन ये फिर भी काम करता रहेगा, तो ये इसका रीजन जो है कोई सही नहीं बैठा है। तो हम देखेंगे ऑप्शन जो, यानी दावा सही है लेकिन कारण क्या है गलत, तो ये आपका राइट आंसर होगा अगर इसमें ऑप्शन देखेंगे, ए सच है लेकिन आर झूठा है, तो ऑप्शन सी निकल कर आएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, एसर्शन दिया हुआ है आपका, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ अनरेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रीजन की बात करें, द यूनाइटेड नेशन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशिंग पीस इन द वर्ल्ड, तो आपका दोनों ही सही है बट रीजन जो है सही व्याख्या नहीं है इसकी, ठीक है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। आगे देखें इसी का, अगर हम 6th क्वेश्चन को देखें, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को, सही हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन इज प्रेसिडेंटली फंक्शनिंग एज इंडिया इज इट्स मेंबर, तो ये गलत हो जाएगा।
ऑप्शन जो है इसका अगर हम देखें तो ऑप्शन सी आएगा आपका, इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सातवें की तरफ आते, भारत में राष्ट्रीय निर्माण में कौन से तत्व बाधा डालते हैं, भारत का जो है राष्ट्रीय निर्माण में, और ये किसी भी देश में हो तो सभी देश में ये बाधा डालते ही डालते, निरक्षरता यानी आपकी जो है अशिक्षा, ठीक है, ये बाधा डालते हैं सही हो जाएगा, बेरोजगारी ये भी डालते हैं, जातिवाद ये भी डालते हैं, यानी उपरोक्त सभी, ये तीनों ही ऊपर के जो पॉइंट है, एक विश्व के निर्माण में अगर कोई भी देश निर्माण कर रहा हो, चाहे भारत हो गया कोई भी देश हो गया, उसमें अगर ये चीजें हैं तो वो ये चीजें बाधा डालती है किसी भी देश के राष्ट्रीय निर्माण में, तो ये आपका ऑप्शन जो है द निकलकर राइट आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट आर द फैक्टर्स जो है हिंडरिंग द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया कंस्ट्रक्शन ऑफ इन इंडिया, तो यहाँ पे इलिटरेसी हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ठीक है, कैस्टिज्म हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी निकलकर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आठवें की तरफ आते हैं, भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो भारत क्या है एक विकासशील देश है, आप सभी जानते होंगे भारत क्या है, तीन टाइप के देश होते हैं अगर वर्ल्ड की बात करें हम, तो जिसमें एक विकासशील देश होता है जिसको जो विकास कर रहा हो, एक विकसित देश होता है जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, ब्रिटेन हो गया, इन्होंने सबने अपना विकास कर लिया, विकासशील देशों में भारत आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, श्रीलंका आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं। एक होता है अविकसित देश जो विकासशील ही नहीं मतलब उससे भी नीचे, अगर हम भारत के बारे में देखें तो भारत क्या एक विकासशील देश है, तो ये ठीक हो जाएगा, भारत एक विकसित देश है तो ये गलत हो जाएगा, भारत में कई भाषाएं बोली जाती है तो ये बात सही हो जाएगी, भारत एक स्वतंत्र देश है तो ये भी सही हो जाएगा, यानी पहला अगर हम देखें, तीसरा देखें एंड फोर्थ देखें, तो ये तीन आपके सही हो जाएंगे। अगर फोर्थ की बात करें, यहाँ पे दिए हुए जो आपके ऑप्शन, यहाँ पे पहला तीसरा और चौथा, यहाँ पे ऑप्शन सी इसमें दिखा रहा है, राइट आंसर ये हो जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंडिया, तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो ये सही हो जाएगा, डेवलप कंट्री नहीं है, मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया, सही हो जाएगा, इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी अगर हम देखें फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, ये जो है आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आपका ऑप्शन सी वाला जो है राइट आंसर होगा, तो ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त के बारे में बात की गई कौन थे, तो वो सुकुमार सेन थे, ऑप्शन जो अ है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे पूछा जाता है, सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। इंग्लिश मीडियम में देखिए, हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो सुकुमार सेन ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अब आते हैं दसवें क्वेश्चन की तरफ, दसवां क्वेश्चन जो है यहाँ पे बोला गया है टाइम वाइज या टाइम पीरियड वाइज आपको लगाना है, इसे जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है, दूसरा आम चुनाव बेबी गिरी भारत के राष्ट्रपति चुने गए, चौथा आम चुनाव या कांग्रेस आर सीपीआई गठबंधन ने आम चुनाव में कई सीटों पर जीत हासिल करी, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, दूसरा आम चुनाव आप सभी को पता होगा ये फर्स्ट पे ही आएगा, और चौथा आम चुनाव ये जो है इसके बाद ही आएगा, अब आपको बताना है मुझे कि कौन सा राइट आंसर होगा। वैसे भी आप अगर ऑप्शन को देखेंगे, अगर आप एक सही कर देते ना तो उससे आपको ऑप्शन लगभग पता चल जाते हैं, जैसे अगर हम देखें दूसरा आम चुनाव, तो सबसे पहले दूसरा आम चुनाव ही हुआ होगा और पहला ही में ही यहाँ पे दिखाया हुआ है, एंड यहाँ पे देखेंगे तो मैंने पूरा आपको बता ही दिया एक तरह से कि राइट आंसर क्या है, फिर भी मुझे कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन जो है क्या निकल कर आएगा राइट आंसर। इंग्लिश मीडियम में देखें हम, तो यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो सेकेंड जनरल जो है इलेक्शन वीवी गिरी जो है की बात हुई है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फोर्थ जनरल इलेक्शन की बात हुई है, एंड डी बात हुई है द कांग्रेस आर सीपीआई अलायंस विल विन मैनी सीट्स इन द जनरल इलेक्शंस, तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या निकल कर आएगा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य कब बनाया गया, बिहार को अगर देखेंगे तो बिहार क्या है, झारखंड जो है पहले बिहार का एक पार्ट हुआ करता था, बिहार का हिस्सा हुआ करता था, फिर जो है बाद में उसको जो है बदल दिया गया, मतलब दो राज्य में विभाजित कर दिया गया बिहार को, जो कि एक नया राज्य फॉर्म हुआ जिसका नाम झारखंड है, और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था सन 2000 में, झारखंड को नए राज्य के रूप में बनाया गया। व्हेन वाज द स्टेट ऑफ झारखंड फॉर्म, तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन ए 2000 में जो है इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। बारहवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बारहवां क्वेश्चन पूछा गया प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया, तो आपसे ये करीब पूछा ही जाता है और ये आपसे दो नंबर चार नंबर में भी पूछा जा सकता है। प्रथम एक तो फर्स्ट आपका जो है पंचवर्षीय योजना, एक सेकंड हो गया, फर्स्ट वाले में क्या है कृषि वाले क्षेत्र पे हमने ज्यादा जोर दिया, एंड सेकंड में हमने उद्योगों पर ज्यादा जोर दिया, तो ये आपको याद रखना है,
एंड इसमें ये भी बताना है आपको, अगर ये बड़े में पूछा जाता है, वैसे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र पर हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है अधिक जोर दिया। अगर ये दो या चार नंबर में आपसे पूछा जाता तो एक्सप्लेन करना है कृषि क्षेत्र में हमने जो है अपना जो है हमारी जो योजनाएं थी प्रथम पंचवर्षीय योजना उसमें हमने सबसे ज्यादा जो जोर दिया वो कृषि क्षेत्र में दिया एंड धीरे धीरे विकास करने की सोची। सेकंड में क्या किया, उद्योगों पर जोर दिया और यहाँ पर क्या हमने तेजी से विकास करना स्टार्ट किया, हमने तेजी से विकसित होना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। विच सेक्टर वॉज गिवन मोर एम्फेसिस इन द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, तो यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमने काम किया। तो ये आपका आ जाएगा 12वां क्वेश्चन एंड ये आपके 12 एमसीक्यू क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, सभी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में एंड ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके ऑलरेडी बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इन क्वेश्चन को जरूर देख लेना आप। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे एंड मैंने एक क्वेश्चन आपसे कमेंट में पूछा तो उसका आंसर आप जरूर बताना। अब चलते हैं हम सेक्शन बी की तरफ जिसके अंदर आपके दो दो नंबर के क्वेश्चन होंगे, 13 से लेकर आपका 18 तक। ठीक है, 13 से 18 तक आपका दो दो नंबर का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे 13वां क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के किन्हीं चार सदस्य देश के नाम बताना है, यूरोपीय संघ एंड इसके अंदर जो है टोटल 27 देश शामिल है। अब मैंने आपको कल भी एक पेपर करवाया था तो उसके अंदर मैंने बताया था आपको टोटल 27 देश इसके अंदर शामिल है। किन्हीं चार सदस्य देशों के नाम बताने, जैसे जर्मनी हो गया, डेनमार्क, आयरलैंड, फ्रांस इसके सदस्य देश है। ब्रिटेन मत लिखना, पहले ब्रिटेन हुआ करता था लेकिन क्या है ब्रिटेन फिर अलग हो जाता है, तो ये चार देशों के चार सदस्य देशों के नाम कुछ इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, टोटल 27 देश इसके अंदर शामिल है। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखे, राइट द नेम्स ऑफ एनी फोर मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो जर्मनी, डेनमार्क, आयरलैंड एंड फ्रांस, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका फोर्थ है। आगे चलते हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, साहबानो केस के फैसले को चुनौती क्यों दी गई थी स्पष्ट कीजिए। देखिए एक केस हुआ था भारत के अंदर, साहबानो केस करके नाम से जाना जाता है ये केस। इसके अंदर क्या होता है, एक मुस्लिम महिला होती है जिसका नाम साहबानो होता है, क्या है उसके पति ने उसे तलाक दे दिया होता है, उसके बाद क्या है वो गुजारा भत्ता के लिए जो है हासिल करने के लिए अदालत में क्या डालती है, अपनी अर्जी डालती है। यानी जैसे क्या है उसके पति ने उसे तलाक दे दिया, फिर उसके बाद तो उसका पति अपना मौज कर रहा है, तो उसको क्या है उसने केस फाइल किया कि मुझे क्या चाहिए, गुजारा भत्ता, कि मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी वो चाहिए उसे। तो एक अर्जी डाली तथा सर्वोच्च न्यायालय ने उसके हक में फैसला दिया। सरकार ने एक अधिनियम द्वारा इस फैसले को निरस्त करने का प्रयास किया था लेकिन बाद में जो है अगर न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला माने तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो है साहबानों के साथ जो है मतलब इनके हक में जो है फैसला दिया था। तो ये बहुत बड़ा केस बना था उस टाइम का, आज भी इसे जो है हर बार उछाला जाता है जब भी तलाक की बात होती है, खासकर मुस्लिम में। ठीक है, Why was the decision of the Sahabano case challenge, explain करना आपको, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से English medium है। Sahabano was a Muslim woman who filled an application for alimony on divorce from her husband and the Supreme Court ruled in her favor. The government जो है repealed this decision by an act, but जो है फिर भी जो है उसके बाद भी जो है जो हमारी Supreme Court है वो हक में किसके हक में फैसला फेवर किसके फेवर में सुनाती है, Sahabano के फेवर। ठीक है, तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का इंग्लिश मीडियम। 15वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, भारत में 1969 की बात हुई, 1969 में हुए राष्ट्रपति के चुनाव को ऐतिहासिक क्यों माना जाता है, कोई दो कारण आपको बताने। तो ऐतिहासिक इसलिए माना जाता है क्योंकि यही वो समय था जिसके अंदर क्या है कांग्रेस में विभाजन हो गया था, सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच मतभेद, इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए क्रांतिकारी कदमों को सिंडिकेट द्वारा जो है पसंद नहीं किया गया, जिससे क्या है जो आपका जो कांग्रेस है उसके अंदर विभाजन देखने को मिलता है और इसीलिए ऐतिहासिक माना जाता है। यहाँ से जो है 1969 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के विरुद्ध बीबी गिरी का जो है समर्थन किया, तो ये आपका जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसलिए ऐतिहासिक माना जाता है, अगर एक लाइन में बोले तो इस समय से जो है इंदिरा गांधी जो है मतलब कांग्रेस जो है वो दो भागों में बंटना स्टार्ट हो गया। इंग्लिश मीडियम में देखे, व्हाई इज द प्रेसिडेंटल जो है डेंटियल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया इन 1969 कंसिडर्ड हिस्टोरिक एनी हाईलाइट टू रीजन, तो डिफरेंस बिटवीन सिंडिकेट एंड इंदिरा गांधी, द रिवोल्यूशनरी स्टेप टेकन बाय इंदिरा गांधी वर नॉट लाइक्ड बाय जो है सिंडिकेट, सिंडिकेट के द्वारा जो है जो भी स्टेप उठाए गए थे इंदिरा गांधी के द्वारा उन्होंने जो है उसे लाइक नहीं किया, पसंद नहीं किया। इन 1969 इंदिरा गांधी सपोर्ट वीवी गिरी अगेंस्ट द ऑथोराइज कैंडिडेट ऑफ द कांग्रेस
इन द प्रेसिडेंटियल इलेक्शन, ये आपका हो जाएगा आंसर। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, आपातकाल लगाए जाने के पीछे किन्हीं दो आर्थिक कारणों को पूछा गया। तो आपातकाल आप सभी को पता होगा 25 जून 1975 को जो है आपातकाल लगाया गया था, एंड इसके पीछे क्या आर्थिक कारण है वो आपसे पूछा गया। आर्थिक कारण मतलब ऐसे कारण जो पैसे से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है, ये कुछ खास नहीं चल पाया था। इंदिरा गांधी के द्वारा जो है लाया गया था कि गरीबी हटाओ, लेकिन ये कुछ खास चल नहीं पाया। बांग्लादेश आजादी के समय बांग्लादेश को हमने साथ दिया, बांग्लादेश के बनने में हमने बहुत तरह से हमने बांग्लादेश की हेल्प करी, लेकिन क्या है उस समय भारत पाकिस्तान का भी युद्ध होता है एक तरह से। तो युद्ध के बाद देश की अर्थव्यवस्था पर क्या हो गया होता है, जोर पड़ जाता है, और जिससे हमारा जो अर्थव्यवस्था हमारी कमजोर पड़ जाती है। औद्योगिक विकास की दर कम हो जाती है, अमेरिका द्वारा जो दिए जाने वाली सहायता होती है उस पर भी क्या है सहायता जो है रोक दी जाती है अमेरिका के द्वारा। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं, ये कारण है जिसकी वजह से आपातकाल लगाया गया। मेंशन एनी टू इकोनॉमिक रीजंस बिहाइंड द इम्पोजन ऑफ इमरजेंसी। तो द स्लोगन ऑफ जो है इरेडिएटिंग पॉवर्टी डिड नॉट वर्क मच आफ्टर द बांग्लादेश वॉर इंडिपेंडेंस, देयर वॉज फर्दर इम्पेसिस ऑन द कंट्री इकोनॉमी, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। द रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लोड डाउन एंड एवरी काइंड ऑफ एड गिवन बाय अमेरिका टू इंडिया वॉज स्टॉप। तो ये रीजंस है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एनडीए और यूपीए के बारे में पूछा गया, उसके फुल फॉर्म के बारे में। जैसे एनडीए, एनडीए आप सुनते होंगे, एनडीए ये क्या है, आप अभी के समय जो देख रहे हैं ना बीजेपी, बीजेपी और एनडीए का गठबंधन है जिन्होंने सरकार बना रखी है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और अगर हम बात करें यूपीए की तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा हुआ है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, चुनाव आयोग को प्रारंभ में यानी शुरू में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो जब हमारा देश 1947 के बाद आजाद हुआ था, उसके बाद हमने अपना संविधान बनाया, फिर उसके बाद क्या है हमने 51 में स्टार्ट किया चुनाव होना और 52 तक जो है जाकर संभव हो पाया। तो शुरू में क्या है बहुत सारी चुनौतियों का सामना हमने किया। आपको बताना है कि कौन कौन सी समस्या का हमने सामना करना पड़ा चुनाव आयोग को। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना बहुत बड़ी समस्या थी। चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, यानी चुनाव के लिए क्या है कौन कौन से क्षेत्र होंगे जहां पर लोग जाकर वोट डालेंगे, तो वो उन क्षेत्रों को जो है सीमांकन करना एक बड़ी समस्या के रूप में हमने देखी उस समय चुनाव आयोग की। मतदाता सूची बनाने में समस्याएं होना और साक्षरता का निम्न होना। शिक्षा जो है अशिक्षा उस समय बहुत ज्यादा थी, तो इस सारे प्रॉब्लम जो है अशिक्षा की वजह से भी क्रिएट हो रहे थे। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं जिसकी वजह से चुनाव आयोग को शुरू में जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाट वर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया इन द बिगिनिंग। तो यहाँ पे कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, डेमोक्रेट एंड जो है कॉन्स्टिट्यूशंस, हैविंग प्रॉब्लम्स इन मेकिंग वोटर लिस्ट एंड लो लेवल लिटरेसी। तो ये रीजंस आप इसमें लिख सकते हैं, तो ये आपके पॉइंट्स हो जाएंगे एंड ये सभी दो दो नंबर वाले क्वेश्चन आपके खत्म हो जाते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एंड आगे चलते हम अब सेक्शन सी पे। ये दो दो नंबर वाले आपके क्वेश्चन थे एंड इस ये भी आपका क्या है 12 नंबर का ही था। आगे हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 से लेके 18 तक आपके ये सभी दो दो नंबर वाले क्वेश्चन थे। सेक्शन सी की तरफ आते हैं, क्योंकि हमने जो है पहली वीडियो करी थी तो उसके अंदर हमने सेक्शन ए और बी बनाया था, तो सी जो है आपका करीब 1 घंटे 10 मिनट की बन गई थी, तो मैं सोच रहा हूँ सी भी आपका इसमें कवर करवा दूँ। सेक्शन सी में आते हैं, जो कि 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और ये 5 क्वेश्चन होंगे, यानी 20 नंबर का आपका सेक्शन सी रहेगा। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना बन पाने के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करना है। तो पाकिस्तान क्या है, यहाँ पर लोकतंत्र जो है सफल नहीं हो पाया, अभी तक सफल नहीं हो पाया, इसके पीछे रीजंस क्या क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ट्रिपल ए कहा जाता है एक तरह से, अल्लाह या तो सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी। अभिजनों के सामाजिक दबदबे के कारण कई बार जो है निर्वाचित सरकारों को गिराकर, मतलब इनका दबदबा एक तरह से ट्रिपल ए का, जो भी सरकार निर्वाचित होती है क्या होती है, जैसे कोई भी पीएम बना जिसकी सरकार बनी उसको ये क्या करते हैं, एक गिरा देते और अपनी मनमर्जी की सरकार बैठा लेते। तो एक तरह से ट्रिपल ए का जो है वहां पे दबदबा इस कारण, ट्रिपल ए मतलब सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी। पाकिस्तान के भारत के साथ विवाद ने सेना के समर्थक समूह को जो है अधिक शक्तिशाली बनाया तथा सैनिक ताकतों के सत्ता में बने रहने का उचित ठहराया। वहां के जो भी है लोग कह लो या जो भी उनके लीडर्स है वो भी ये सही ठहराते कि सेना का जो है रहना चाहिए, क्योंकि क्या भारत के साथ युद्ध होता है तो सेना को वहां पे बहुत ज्यादा ही ऊपर रख दिया जाता है, वहां पे पॉलिटिक्स में भी जो है सेना को ला दिया जाता है।
तीसरा कारण क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, अपनी जो भी इच्छाएं रहती है उसको पूरा करवाना है, और उसकी इच्छाएं जो पूरा हो वो कैसे भी हो, मतलब सेना का शासन हो चाहे उसका हो, उसको मतलब नहीं हो, उसको क्या है अपनी जो भी अपने लिए अच्छा है वो अच्छा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद के डर से कहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकवादी समूह के हाथ ना लग जाए सैनिक निरंकुशता को बढ़ाने दिया है। इस तरह से भी, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर पे तो भरोसा है नहीं वहां पे, क्योंकि ये मानते हैं कि कभी कभी क्या है कि यहाँ पे क्या आतंकवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे हर हर बार न्यूज आती रहती है फटने की वहां, तो ये सब होता ही रहता है, इसलिए डर भी रहता है पश्चिमी देशों को कि गलत हाथों में हथियार ना चले जाए जो भी परमाणु बम है, क्योंकि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न कंट्री है, इस वजह से भी डर लगता है। तो सैन्य जो भी है सैनिक शासन वहां पे उसको बढ़ने ही दिया जाता है। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन जो है परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान डू इट। तो यहाँ पे फैक्टर्स आप देख सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, जैसे जैसे आर्मी रिलीजियस लीडर्स एंड जो है लैंड ओविंग, ठीक है इलाइट। तो यहाँ पे इनकी वजह से एक तो ये हो जाएगा, इनकी इनका जो भी दबदबा है उसकी वजह से। सेकेंडली अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान डिस्प्यूट विद इंडिया, तो मेन रीजन ये भी कह सकते हैं। एंड थर्ड आ जाएगा यहाँ पे इनके पास क्या है, एक परमाणु हथियार है, इस्लामिक टेररिज्म, वर्ल्ड वाइड इस्लामिक टेररिज्म, तो इसकी वजह से भी इन्हें जो है ये यहाँ पर रह नहीं पाता है लोकतंत्र। तो ये हो जाएगा आपका इंग्लिश मीडियम में, आप इन्हें एक्सप्लेन पढ़ सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 20वें की तरफ आते हैं, 20वां क्वेश्चन है, हैदराबाद के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिए। देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत आई थी ना किसी को अगर भारत में आप सभी को पता होगा कि जब भारत शुरुआत में आजाद हुआ था तो भारत के अंदर 565 रियासतें थी, और जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान क्या है कि पाकिस्तान एक अलग कंट्री बना, भारत एक अलग। तो जो जिन्होंने विभाजन किया था उन्होंने उनका कहना था कि जो रियासतें हैं वो पाकिस्तान में जाना चाहती है पाकिस्तान में चले जाए, भारत में मिलना चाहती है भारत में मिल जाए, या स्वतंत्र भी रह सकती है। तो क्या है कि कई सारी रियासतें थी जिसको भारत में मिलाया गया, एंड यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का हर बार नाम लिया जाता है, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। एंड यहाँ पे एक दो तीन ऐसे राज्य थे जैसे हैदराबाद हो गया, मणिपुर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, जिनको अपने साथ भारत में मिलाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उसमें से था एक हैदराबाद। इसमें क्या है, हैदराबाद का निजाम के साथ यथा स्थिति बनाए रखने का समझौता किया भारत ने, निजाम के दमनकारी शासन के विरुद्ध किसानों का आंदोलन जैसे महिलाओं का समर्थन भी प्राप्त था, जिसको महिलाओं का समर्थन भी प्राप्त था। और आप देखेंगे हैदराबाद को हमने मिलाने के लिए बलपूर्वक ही यूज किया हमने, इसके लिए हमारी कोई भी एक तरह से बलपूर्वक कहे या आंदोलन करा के, ठीक है इनडायरेक्टली हम ही कहेंगे हम ही ने आंदोलन करवाया, उसमें बहुत सारी चीजें हम ही ने करी, क्योंकि क्या हमें हैदराबाद को भारत का अंग बनाना था। और ये चीजें करके महिलाओं ने भी फिर निजाम का शासन का विरोध करते, यहाँ पर क्या है गैर मुस्लिम यानी मुसलमान को छोड़ के दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार हुआ था, अत्याचार कर रहे थे, तो इस कारण भी वहां के लोग क्या है कि वहां के निजाम से खुश नहीं थे और उन्होंने भी विरोध किया। तो फिर धीरे धीरे करके बलपूर्वक करके या कैसे भी करके भारत ने क्या है इसको विलय करवाया भारत में। तो ये चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं किस तरीके से करवाया गया। एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्जर ऑफ हैदराबाद विद इंडिया। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो कई सारे जो है वुमेन्स जो है, और वुमेन्स हो गया आपका यहाँ पे पीनट मूवमेंट अगेंस्ट द ऑप्रेसिव रूल ऑफ निजाम विच ऑल्सो हैड द सपोर्ट ऑफ वुमेन, वुमेन का भी सपोर्ट था, ऑल्सो वुमेन ऑल्सो अपोज द रूल ऑफ निजाम एंड जो है रजाकार जो है पर सेकेंड नॉन मुस्लिम। तो ये आपका आ जाएगा जो है स्टेटस क्यो एग्रीमेंट विद द निजाम ऑफ हैदराबाद। तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन लास्ट में जो है हमने मर्ज कर लिया था हैदराबाद को। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, श्रीलंका के जातीय संघर्ष और उसके किन्हीं दो परिणामों को स्पष्ट करना। श्रीलंका के जातीय संघर्ष और उसके दो परिणाम आपको बताने हैं। तो आपको सभी को पता होगा कि लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी श्रीलंका ने सोचा कि वो क्या है तमिलों को रियासतें प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि श्रीलंका केवल सिंहलियों से संबंधित है। आप सिंहली और आप सभी को पता होगा किनको, तमिलों को, वो जो है रियासतें, इसका मतलब है कि वो एक जैसे लोग नहीं होंगे, केवल सिंहलियों के लिए वो काम करेगा, इन तमिलों के लिए नहीं करेगा। तो लोकतंत्र होने के बावजूद भी यहाँ पे ये था भेदभाव हो रहा था, तो तमिल लोगों ने क्या किया जो है उन्होंने क्या है एक आंदोलन किया, जिसको एक उन्होंने लिट्टे भी बनाया संगठन,
जिसको लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम कहा जाता है, उन्होंने क्या है इसका विरोध किया और फिर धीरे धीरे जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये जातीय संघर्ष में बदल जाता है और इसके परिणाम क्या होते हैं, सेना का सेना तथा लिट्टे के बीच हिंसक जो है टकराव होने लग जाता है। भारत ने इस मामले को सुलझाने के लिए श्रीलंका से बातचीत करने का प्रयास भी किया होता है। भारत ने IPKF दल भेजा जिससे क्या है कोई भी सफलता, यानी हमारी जो है सेना को भी वहां पे भेजा गया था लेकिन उससे हमारी कोई जो है बातचीत सही नहीं हो पाई, बातचीत करने का प्रयास किया गया और हमें सफलता नहीं मिली, तमिल लोगों की दुश्मनी जो है अर्जित कर ली। और ये आपका जो है आ जाएगा इसके अंदर श्रीलंका की जातीय संघर्ष और उसके क्या परिणाम। एक्सप्लेन द श्रीलंका एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड एनी टू जो है कंसेंसनेस ऑफ इट, यहाँ पे क्या रीजन थे आपको क्या निकल के आए तो आपको बताना है। यहाँ पे देखें हम तो क्या क्या है, डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री श्रीलंका थ्रू दैट इट विल नॉट प्रोवाइड, जो है उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, एक जैसे व्यवहार नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है। एंड यहाँ पे इसी की वजह से क्या है आपका जो है लिट्टे भी निकल के आता है, साथ ही साथ तमिल और सिंहलियों के बीच टकराव भी होता है। रिजल्ट अगर हम देखें तो क्या क्या निकल के आता है, वॉयलेंट जो है कन्फ्रॉन्टेशन बिटवीन द आर्मी एंड लिट्टे LITTE होगा। इंडिया ट्राई टू नेगोशिएट विद श्रीलंका टू सेटल द मैटर, बट जो है इंडिया फोर्स भी भेजता है अपनी बट उससे काम नहीं चलता है, सक्सेस नहीं मिलती एंड जो है वो दिक्कतें होती है, ठीक है। तो ये आप रीजंस लिख सकते हैं, इसके अंदर रिजल्ट ये निकलता है और कॉन्फ्लिक्ट में सिंहली और तमिलों के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं, ऐसे किन्हीं तीन अंतर्राष्ट्रीय चुनौतीपूर्ण मसलों का वर्णन कीजिए जिनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी देश मिलकर कार्य करें। तो बहुत सारे ऐसे हमारे सामने पूरे वर्ल्ड के सामने ऐसे मुद्दे हैं जिनको अगर हम निपटना चाहते हैं जिनसे हम उसके लिए हमें क्या है एक साथ होना पड़ेगा। जैसे आतंकवाद, आप देखेंगे आतंकवाद अगर वर्ल्ड को देखेंगे तो आप वर्ल्ड में साउथ की तरफ देखेंगे, एक हो गया आपका जो है अफ्रीकन कंट्रीज हो गया, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज या एशिया, एशिया में भी जो है एशिया में भी आतंकवाद है और अफ्रीका सब में, इनमें आप देखेंगे तो आतंकवाद क्या है एक बहुत बड़ी समस्या और ये क्या है धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड को टारगेट कर रहा है। तो इसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी दुनिया को एक साथ होना पड़ेगा और इनसे निपटना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरणीय निम्नीकरण, ये भी एक बड़ी समस्या है जिनसे हमें निपटने के लिए क्या है पूरे देश को एक होना पड़ेगा। पीने के पानी की कमी हो गया, वैश्विक गरीबी हो गया और संक्रामक रोग जैसे कोविड जैसी हुआ था पूरे देश पूरे दुनिया भर में आप देख रहे होंगे किस तरह से जो है एक होना हो गए थे लोग, ठीक है। तो ये रीजन है, ये आपके मुद्दे है जिनकी वजह से पूरे वर्ल्ड को एक होना पड़ेगा और एक साथ काम करना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम में देखें, डिस्क्राइब एनी थ्री चैलेंजिंग इंटरनेशनल इशू दैट कैन बी टैकल्ड ओनली इफ ऑल कंट्रीज वर्क टुगेदर। तो टेररिज्म हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ग्लोबल पॉवर्टी एंड इन्फेक्शन डिजीजेस, तो ये आपका आ जाएगा राइट आंसर। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, उपयुक्त उदाहरण द्वारा दर्शाइए कि यह आवश्यक नहीं कि वैश्वीकरण सदैव सकारात्मक ही हो। तो वैश्वीकरण के आप एक तरह से इनडायरेक्टली क्वेश्चन जो कह रहे हैं आपसे कि सर ये जरूरी नहीं होता है कि वैश्वीकरण के क्या हो सकारात्मक, सदैव क्या हो सकारात्मक ही हो, ये नकारात्मक भी हो सकते हो। नकारात्मक क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अगर हम देखें तो बाहर की कंपनी आती है जिससे जो है यहाँ पे यूरोप, जैसे हम देखें एग्जाम्पल के लिए यूरोप स्थित एक बड़ी और अपनी प्रतियोगी कंपनी को एक भारतीय कंपनी ने खरीद लिया जबकि खरीदी गई कंपनी के मालिक इस खरीदारी का विरोध कर रहे थे, तो ये हो जाता है। आप अपनी सांस्कृतिक जो भी हो जैसे हम देखें हमारी पहले संस्कृति क्या थी, हमारा पहनावा खान पान, तो उसमें भी हमें क्या है अब हम देखते हैं आज के समय वो हमारी संस्कृति बिल्कुल ही लुप्त होती जा रही है, तो वो चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। बाहर की कंपनियों के द्वारा और भी कई सारी चीज़ें की जाती है, आप ये सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं। जैसे मुंबई एक फिल्म निर्माता ने आरोप लगा के उसे हॉलीवुड में बनी एक फिल्म की कहानी उठाकर अपनी फिल्म बनाई। पश्चिमी परिधान पहनने वाले कॉलेज की छात्राओं ने एक उग्रवादी संगठन ने अपने एक बयान में धमकी दी। तो बहुत सारी चीजें होती है इसमें आप डाल सकते हैं कि वैश्वीकरण सदैव जो है सकारात्मक ही नहीं होता है, नकारात्मक भी होता है और जो बिल्कुल गरीब कंट्रीज होते हैं उसके लिए तो दिक्कत है ही, ठीक है। फायदे के साथ साथ दिक्कत भी होती है क्योंकि दूसरे जो है हम पे जो राज करने वाले तो वो कौन थे, कोई देश थोड़ी नहीं था, एक कंपनी आकर हम पे राज कर रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने हम पे शासन किया। तो एक तरह से ये भी रहता है कि कोई गुलाम ना बना ले, पहले के समय जैसे गुलाम थे
तो बहुत सारी दिक्कतें आती है, वैश्वीकरण जो है नकारात्मक प्रभाव भी रहते हैं इसके। तो ये आपका जो है सेक्शन सी हो जाएगा, चार चार नंबर वाले क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो यही था आज का ये वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया आपका पेपर नंबर 6 एंड इसका हमने पार्ट 1 देखा है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा पार्ट 1। पार्ट 2 का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना। आगे के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी कोई भी बच्चा सैंपल पेपर खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है, दिया हुआ हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है। एंड जस्ट आपको 99 में एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा, वैसे तो 199 का है, बाकी अगर आप कूपन कोड जो है VSP07 यूज करेंगे तो 99 में आपको मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं 20-20 सैंपल पेपर PDF फॉर्म में। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दिया हुआ आपका व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, चलिए यही था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर भी करना है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, जहाँ सब्सक्राइब लिखा होगा आपको उस पर क्लिक करना है एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। चलिए यही था आज का वीडियो, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।